हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है कि आज की वीडियो जो ये वीडियो है ये बनाना बहुत ज़रूरी था, मैंडेटरी था। पूछो क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का हम पूरे साल वेट करते हैं कि आएगी आएगी अब आएगी अब आएगी, वो चीज़ आ चुकी है। और हाँ, मैं बात कर रही हूँ IBPS AFO की नोटिफिकेशन की, जो कि आई थी 31 अक्टूबर को, यानी कि परसों। आज हो रहे हैं 2 नवंबर। मैं थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो बनाने में, बट नेवर माइंड, दिस वीडियो इज़ गॉन बी वर्थ इट फॉर यू, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ना ही इन्फॉर्मेशन बल्कि मोटिवेशन भी देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा आप सब एस्पायरेंट्स के साथ हो रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका शेड्यूल बिगड़ गया है। येस, द सेम इज़ हैपनिंग विद मी टू। तो बात कर लेते हैं IBPS AFO की नोटिफिकेशन की। IBPS AFO की नोटिफिकेशन में AFO की जो पोस्ट हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैकेंसी कितनी आई है। AFO की वैकेंसी 516 वैकेंसीज आई हैं AFO की, जो दो ही बैंक ने निकाली हैं। एक ने 416 निकाली हैं और एक ने 100 वैकेंसीज निकाली हैं। अब बात कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 नवंबर है और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं 1 नवंबर, यानी कल से। तो आप 1 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं, फ़ी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट है 24th या फिर 31st नवंबर, स्लैश दे के लिखा है उन्होंने, तो वो हमें बता दिया जाएगा कि कब है। या फिर हो सकता है 24 और 31st दोनों को हो, मतलब ऐसा कुछ है। तो आपको पता ही है कि संडेज या सैटरडेज को लेता है IBPS एग्जाम्स, और 24 और 31st को माइट बी संडे है दोनों को। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम है 29 जनवरी को। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन से, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, फ़ी वगैरह का आप लोग देख सकते हो कि फ़ी कितनी है। पिछली बार शायद 800 कुछ रुपए लगी थी या 900 कुछ रुपए लगी थी, इस बार माइट भी इतनी ही फ़ी रहेगी। और जिन भी लोगों को अगर देखना है IBPS का फॉर्म, तो IBPS की वेबसाइट से आप लिखिए IBPS.in, तो आपको IBPS की वेबसाइट खुल जाएगी इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ। और IBPS.in लिख के आपको जब वेबसाइट खुल जाएगी, फिर आप साइड में वो स्लैश से दे रखे होते हैं ऐसे करके, ऐसे डब्बे से बना रखे होते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे दिया होगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दिया होगा कि द एप्लीकेशन, द नोटिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक या एडवर्टीजमेंट फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसे क्लिक कीजिए और आपकी एप्लीकेशन जो है वो, आपकी नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसे थॉरली पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग या एज लिमिट के रिगार्डिंग या फ़ी के रिगार्डिंग या पैटर्न के रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट जानते हैं। तो अब इस प्रोसेस को फॉलो करके IBPS की नोटिफिकेशन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली बात पे कि IBPS की नोटिफिकेशन तो आ गई है, ठीक है, परसों आ गई थी। लास्ट डेट 21 नवंबर है। दिनों की बात कर ले तो एक दिन, एक महीना और 23 दिन बच गए हैं। 23 भी नहीं कह सकते, 22 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस एक महीना 22 दिन में क्या करें जिससे क्लियर हो जाए एग्जैक्टली। होता क्या है कि हम लोग पहले ना चीज़ों को हल्के में लेते हैं, बहुत सभी लोग ऐसे करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, हम मई से सोचते हैं कि यार पढ़ना शुरू कर देंगे, करते करते जून आ जाता है, जुलाई आ जाता है, अगस्त आ जाता है। जब सितंबर आता है तब हमारी आंख एक बार और खुलती है कि यार ये बर, मतलब सितंबर अक्टूबर, ये बर वाले महीने चल पड़े, तो हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बट फिर भी जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारी एक कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बनती है, फिर से ब्रेक हो जाती है अक्टूबर नवंबर तक आते आते। और जब तक हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, या फिर राह पे लाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तब तक नोटिफिकेशन आ जाती है। लेकिन नोटिफिकेशन आने की एक अच्छी बात यह है कि जब आप नोटिफिकेशन को अपनी आंखों से देखते हो और ये देखते हो कि पेपर आने वाला है, तब आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होती है कि आप पीछे कितना टाइम वेस्ट कर चुके हो और अब कुछ भी टाइम नहीं बचा। तो अब जब ये रियलाइजेशन आती है तो हम दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन द, मतलब नेचर ऑफ पीपल बोल सकते हैं या स्टेट ऑफ आर माइंड। जब हमें रियलाइजेशन होती है, मैक्सिमम लोग इस तरीके से रियलाइज़ करते हैं कि यार अब तो आ गई डेट, अब क्या करें, ठीक है, तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब 1.5 महीने में एग्ज़ाम है, डेट आ चुकी है और नोटिफिकेशन में निकल चुकी है। पहले कुछ पढ़ा नहीं था और अब कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 1.5 महीने में क्या ही हो जाएगा। और अब तो यार अगले साल ट्राई करेंगे, ये वाला तो मेरा अटैम्प्ट रह गया, मैं तैयारी नहीं कर पाया, पिछले साल तो मैंने अच्छे से करी थी यार, बट इस बार हो नहीं पाई। मैक्सिमम 98% पीपल ये सोचते हैं जो मैंने आपको बताया। अब देर इज़ अ सेकेंड माइंड सेट ऑल्सो, वो ये कि हाँ यार 1.5 महीना रह गया और पहले तो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब वैकेंसी आ ही गई है और जब भरनी है, फ़ी भी देनी है,
तो ऐसा करता हूँ 1.5 महीने में पढ़ लेता हूँ एटलीस्ट मेंस, नहीं तो प्री तो क्रैक करूंगा, या मेंस तक तो जाऊंगा या फिर इंटरव्यू तक तो जाऊंगा, तो उतना पढ़ के देखता हूँ कि कितना ही हो पाता है, थोड़ा तो पढ़ लूंगा एटलीस्ट, हमें वो नहीं रहेगी कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये होती है मतलब सेकेंड वाली थिंकिंग कि हाँ फी दी है तो पढ़ के देख लेता हूँ, और जब टेस्ट दे ही रहा हूँ, अटेम्प्ट दे ही रहा हूँ, तो पढ़ के देख लेता हूँ ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि यार ये तो आता था और ये तो पढ़ा नहीं। और ये थिंकिंग ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम दे रहे हैं, मतलब जो फ्रेशर्स नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पहले से भी आता होता है तो उनको वो रियलाइजेशन होती है कि हमें चीज़ें आते हुए भी अगर हम बिना रिवाइज करे जाएँ और वहाँ जाके फंस जाएंगे, यार ये हमें पता था और जस्ट इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो चीज़ बहुत दर्दनाक होती है। और वो लोग जान सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो ये हम सेकेंड और थर्ड टाइमर्स, फोर्थ टाइमर्स, फिफ्थ टाइमर्स जो भी देते हैं, वो ये चीज़ सब सोचते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे। अगर उनकी तैयारी नहीं आई, नहीं हो पाई है अभी तक, तब उन इंसानों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे साथ क्या है कि वट टू से, आई डोंट वॉन्टेड टू रिवील इट बिकॉज आप लोगों की भी तैयारी ख़राब होती है उससे, बट हाँ ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ जिसकी वजह से पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम जा रहा है, और आई कुडंट हेल्प इट, मतलब एक्चुअली आई कैन हेल्प इट, बट कहते हैं ना कि डेफिनेटली आप वही करते हो, एट द एंड आप वही करते हो जो आप करना चाहते हो, तो माइट बी मैं शायद, मतलब तो मैं बता नहीं सकती, ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ ड्यू टू विच माई स्टडी इज गेटिंग अफेक्टेड थोड़ा सा। तो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ मैंने 2 बार इस चीज़ के लिए तैयारी की है AFO के लिए, और अब ये नोटिफिकेशन आ गई है और अब मैं देख रही हूँ और मेरी कुछ तैयारी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ अब मुझे भी फील हो रही है कि मैं क्या करूँ। आई सॉ अ वीडियो ऑफ समवन जिसने बोला कि 2 या 3 महीने काफ़ी होते हैं AFO की तैयारी करने के लिए। तो जब मैंने वो वीडियो देखी ना, तो तब मेरे अंदर थोड़ा सा हाँ ऐसे आया कि ठीक है, अगर ये कर सकता है तो माइंड भी मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक सिनेरियो सेट करके रखा है अपने माइंड में जो हमने सबसे सुना है। कोचिंग वाले बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं जो निकल जाता है जिनका एग्जाम, वो बोलते हैं कि हाँ अब जून से जुलाई से कर दो तैयारी तो आपका हो जाएगा, या 6 मंथ्स आपकी तैयारी कर दो आपका हो जाएगा। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या 4 मंथ्स में भी हो जाएगा सर, क्या 3 मंथ्स में भी हो जाएगा? तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैक्सिमम 6 मंथ्स बट मिनिमम 4 मंथ्स, इससे बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। तो वो हमने अपने माइंड में चीज़ें बिठा के रखी हैं कि हमारा 4 महीने से कम में नहीं हो पाएगा, अगस्त सेप्टेम्बर के बाद से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना अपने आप पे, तो हम सोचते हैं कि यार जब कोई और नहीं कर पाया तो मैं क्या कर लूँगा, बट यू आर नॉट लाइक अदर, यू आर वन ऑफ अ काइंड। तो मैंने जब, मेरे साथ भी यही चीज़ हुई, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, बट इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट करना और समझाना बहुत, दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब मैंने उनसे सुना कि वो बोलते हैं 2 टू 3 मंथ्स में तैयारी हो जाती है, देन आई एनालाइज माई सेल्फ कि मुझे कितनी तैयारी करनी है। तो मैंने नोटिस किया कि अगर 100% तैयारी है तो मेरी 30 टू 35% पहले से हो रखी है, क्योंकि पहले भी मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ तो चीज़ें काफ़ी क्लियर है माइंड में। मुझे 100% तैयारी नहीं करनी, मुझे सिर्फ 65% तैयारी करनी है। देन आई रियलाइज कि माइट बी आई कैन क्रैक इट इन दिस दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, आपने कुछ भी नहीं सोचना है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एटलीस्ट बोलते हैं ना कि जो आप सोच सकते हो ना वो आप कर सकते हो, तो पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ लाओ कि मैं 1 महीना 22 दिन में कर सकता हूँ। और ये 1 महीना 22 दिन सिर्फ प्री की तैयारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपने मेंस की भी करनी है। अगर आप अभी प्री की तैयारी करने लग जाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले 1 महीने में मेंस कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि अगले 1 महीने में मेंस रिवाइज कर लूँगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको अभी से तैयारी करनी है और अगर आपने शुरू करना है, अगर आपने सोच लिया कि हाँ मैं दिन में 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ूंगी और मैं 1 महीना 22 दिन में क्रैक करूंगी, तो आपको क्या करना है, आपको पहले मेंस की तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेंस ही करते रहो फिर प्री नहीं होगा, एटलीस्ट 50% टाइम डिवाइड करो मेंस की तैयारी करो, जब तक दिसंबर नहीं आता। जब दिसंबर आ जाता है तो आप 30-70 कर दो, 70% टाइम आप प्री की तैयारी करो, 30% ऑफ द टाइम आप मेंस का रिवाइज करो। तो अभी नवंबर है, नवंबर पूरा पड़ा हुआ है, दिसंबर 24 तक पड़ा हुआ है। माइट बी आई एम होपिंग कि 31 दिसंबर को अगर हो जाए तो हमें दिसंबर भी पूरा मिल जाएगा, 1 वीक पूरा मिल जाएगा, तो 2 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। बट ये लड्डू नहीं है कि हाँ हम खा लेंगे तो बस हो गया। इट विल टेक योर स्वेट, इट विल टेक योर डेस्टिनेशन। हाँ सर्दियाँ हैं बट फिर भी खून पसीना लगेगा तैयारी करने में। इट विल टेक योर डिटर्मिनेशन, इट विल टेक योर स्वेट, इट विल टेक योर टीयर्स, इट विल टेक योर कंसिस्टेंसी, इट विल टेक योर हार्डवर्क, इट विल टेक योर डिसिप्लिन, इट विल टेक योर टाइम मैनेजमेंट, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें बोलनी है बोल दो। बट हाँ
आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर 2 नवंबर के बाद भी आपके बहाने चल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि भाई तुम्हारी बस की ना है, मतलब मेरे बस की भी नहीं है अभी तक। मैंने क्योंकि तैयारी शुरू नहीं की है, वीडियो बना रही हूँ, आज सुबह मैं थोड़ा सा पढ़ी हूँ। तो आप थोक में चीज़ों को कवर करो, ये चीज़ वो है, ये टाइम वो चल रहा है जब आपको थोक में चीज़ें कवर करनी है कि हाँ ये बुक अगर उठाई है, मेरे हाथ में बुक नहीं आई क्योंकि बुक्स मैंने ऊपर रख रखी है, मैं बुक पकड़ने की कोशिश करती हूँ, ये बुक अगर आपने उठाई है तो आज 200 पेज कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एट दी एंड 200 पेज कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अगर आप 200 पेजेस का टारगेट लेके चलोगे ना तो एटलीस्ट 100 तो करोगे, 50% तो करोगे। और अगर आप एक दिन में 100 पेजेस कंप्लीट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग क्वाइट, मतलब अच्छी स्पीड से जा रहे हो। अब जो 100 करोगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, फिर आप 200 करोगे, तो मतलब चीज़ें होती जाएंगी। और जैसे ही चीज़ें होने लगेंगी ना, ट्रस्ट मी, दिस प्रोसेस विल लुक लाइक कि हाँ ये हो सकता है, थिंग्स विल आपको डूएबल चीज़ें लगने लगेंगी। तो ऐसे हमें करना है और इस तरीके से कुछ तैयारी करनी है। अगर अभी तक नोटिफिकेशन देख के जागे नहीं हो तो जाग जाओ। अगर आपको लगता है, अगर आप उस दुविधा में हैं कि यार अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब तो 1 महीना 22 दिन रह गया, कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सबसे पहले अपने माइंड में बिठाओ कि ये चीज़ पॉसिबल है, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव करो। तैयारी शुरू करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को मानो कि मैं कर लूँगा। अगर आप, क्योंकि तैयारी शुरू कर दी आपने और आप उनमें सोचोगे यार होगा तो नहीं मेरे से, लेकिन मैं तैयारी कर लेता हूँ, तो उस फिलॉसफी के साथ आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। पहले बिलीव इन योर सेल्फ, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बिलीव करो, रोज़ सोचो कि हाँ मेरे से होगा, मेरे से होगा। जैसे जैसे आप तैयारी करने लगोगे, 5 दिन 10 दिन पढ़ोगे, जब एक पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा तो वो मोटिवेशन आपको बाय एक्शन ही आने लगेगी। आपकी तैयारी ही आपको मोटिवेट करेगी कि हाँ इतना मैंने कर लिया है तो मतलब इतना भी कर लूंगा और हो जाएगा। बट इस टाइम पे आप बिल्कुल शुरू में खड़े हो, स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े हो, आपने कुछ कवर नहीं किया, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा फील होगी कि नहीं हो सकता। बट उस चीज़ को ओवरकम करना है और तैयारी करनी है। मैं भी आप लोगों के साथ तैयारी कर रही हूँ, आप ये मत सोचना कि हाँ मैं उन लोगों में से जो शुरू से तैयारी कर रही हूँ। हाँ करती हूँ, 35% मेरा सिलेबस हो गया होगा, बट 65% इज स्टिल रिमेनिंग। और मैं भी अभी ही जागी हूँ, जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इतना कम टाइम रह गया है। तो हम दोनों लोग मिलकर तैयारी करने वाले हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि मैं डेली ब्लॉग्स पोस्ट कर पाऊँगी, रेगुलरली कर पाऊँगी या नहीं, बट हाँ तैयारी रेगुलर होगी वो बहुत ज़्यादा श्योर है। और मैं आपको बीच बीच में मोटिवेशन देती रहूँगी, कितना कवर कर लिया वो भी बताती रहूँगी, ताकि आप लोग जो भी मेरे साथ चल रहे हैं 2 नवंबर से तैयारी करने में, उन लोगों को थोड़ा आइडिया लग सके कि हाँ हमारे लिए आइडियल पोजिशन क्या है, कि कहाँ तक पहुँचना चाहिए, या हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं या हमारे कंपेनियंस जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो बंद कर दीजिए, IBBS की नोटिफिकेशन खोलिए, रियलाइज़ कीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। यूट्यूब चलाने की जरूरत नहीं, इंस्टाग्राम चलाने की जरूरत नहीं है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। सो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ।